लाडली लक्ष्मियों की उच्च शिक्षा का खर्च शासन वहन करेगा। मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों एवं शहरों की सभी लाडली लक्ष्मियों से लाडली लक्ष्मी उत्सव में रूबरू हुए। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर की आंगनवाड़ियों ने वर्चुअल जुड़कर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखा। सिंहस्थ मेला कार्यक्रम में इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, विवेक जोशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास गुरुदत्त पांड्या सहित बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी बालिकाएं एवं उनके पालक मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च करते हुए कहा कि अब प्रदेश के लाडलियों को उच्च शिक्षा की फीस की चिंता नहीं करना है, सभी की फीस मामा भरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में इस तरह की पहली योजना प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। अब बेटियों को डॉक्टर, वकील, IIT और वैज्ञानिक बनने की राह में फीस बाधा नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के लिए प्रगति के द्वार खोल दिए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली ऐप का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे वे सीधे शिवराज मामा से संवाद कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना से बेटियों को ऊंचा स्थान मिलेगा। उन्होंने बेटियों के पालकों से आह्वान किया कि सभी बेटियों को खूब पढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी लाडली लक्ष्मियों को 25,000 रुपये 2 किश्तों में प्रदान किए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 का एक नया अनाउंस किया है, जिसके बलबूते पर जो बच्चियों का लिंगानुपात ज़्यादा गैप वाला था, लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां कम थी, आज की स्थिति में वो बच्चियां जिनको जन्म के साथ लाडली लक्ष्मी योजना का 1 लाख का जो पहली बार में लाडली लक्ष्मी रूप में जन्म लिया था उनको सर्टिफिकेट मिला था, वो आज 18 साल की हो गई। ऐसे में उनके हायर एजुकेशन की चिंता करना, उनको आगामी रूप से जीवन की गारंटी देना, ये आज माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा दी है। और लगभग 40,000 बच्चियाँ उज्जैन में ही पंजीकृत है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे पूरे प्रदेश की जो बच्चियाँ हैं उनके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा।